सोलन में लॉकडाउन के दौरान लोक निर्माण विभाग शहरवासियों को सुविधा प्रदान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए शहर के नालियों को ढका जा रहा है, साथ में पैदल चलने का मार्ग भी बनाने की कवायद की जा रही है, जिसमें युद्ध स्तर पर काम किया गया और नालियों को ढक दिया गया है। शिकायत थी कि खुली नालियों की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, तो उनकी मांगों को मद्देनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य को पूरा कर दिया है, जिसके चलते शहरवासी भी खुश हैं। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि उनके विभाग का मुख्य उद्देश्य शहरवासी को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिसके चलते उनके द्वारा शहर में नालियों को ढका जा रहा है। शहर के माल रोड पर वाहनों की आवाजाही अधिक हो चली थी, जिसके चलते लोगों को चलने में बेहद परेशानी हो रही थी, इसलिए विभाग ने नालियों के ऊपर पैदल चलने का मार्ग भी बना दिया है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का अंदेशा भी कम हो जाएगा। उन्होंने माल रोड के व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे पैदल चलने के मार्ग पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न करें, ताकि पैदल चलने वालों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। एक तो हमने पेडेस्ट्रियन पाथ अलग से कर दिया उनका, और एक हमने उनके लिए थोड़ा ब्रेकिंग मतलब स्पीड स्लो करने के लिए हमने थोड़ा अपने रंबल स्ट्रिप्स भी लगाए हुए हैं, ताकि फास्ट ड्राइविंग वाले जो हैं गाड़ी जो एकदम आते हैं वो थोड़ा स्लो डाउन हो सके और लोगों को सुरक्षित अनुभव हो सके। साथ में जब लोग पैदल चलें तो पाथ और साइड क्रैश बैरियर वहाँ लगे हुए हैं वो विजिबल रहें, उनकी टाइमली पेंटिंग भी होती रहती है, ताकि वो चीज़ नाइट विजन में भी रहे, कोई समस्या भी ना आए, रिफ्लेक्टेड पेंट होता है उसके ऊपर, और उस तरह से लोगों की सुरक्षा बनी रहती है। वर्तमान में ये प्रश्न पाथ हमने माल रोड पर ही लगाया है, क्योंकि व्यस्ततम एरिया है, यहाँ लोगों ने भी चलना होता है, ताकि वो सड़क पे ना चले, तो ये सुनिश्चित करने के लिए पेडेस्ट्रियन पाथ ये जितना सैंक्शन हुआ था उतना कार्य कर दिया गया है। नहीं, लोगों से तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि इसको अपने चलने के लिए एक अनुशासित मोड में चलें और उसको इस्तेमाल करें। साथ ही और भी मेरा अक्सर ये शिकायतें आती रहती हैं कि इसको अक्सर कोई रेडी फड़ी वाले या कोई दुकान कोई अपना सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि लोग जब पैदल चलते हैं तो सड़क पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं, जो कि गलत है। ताकि सड़क भी सुरक्षित, सड़क पर व्हीकल चलाने वाला भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहें, तो ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन ही यूज़ करें और इस पर किसी तरह की स्टैकिंग या स्टोरेज ना हो, जिससे कि पेडेस्ट्रियन को अपना रास्ता सड़क पर शिफ्ट करना पड़े।